पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है। देश के उन तमाम महापुरुषों को याद किया जा रहा है जिनके शरीर का कतरा कतरा देश के लिए समर्पित था। पूरे देश में भारत माता की जय के जय घोष के साथ वंदे मातरम गूंज रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारगिल चौक पर अमर शहीदों को सबसे पहले श्रद्धांजलि दी और ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इसके बाद राज्य स्तरीय परेड की सलामी भी ली। राज्यवासियों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार न्याय के साथ विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार, जातिवाद और अपराध से कभी समझौता नहीं की है और न करेगी। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की मांग पर शराबबंदी कानून को लाया गया, ये जानते हुए कि सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान है। इसके बावजूद भी महिलाओं के हित में ये कदम उठाया गया जिससे आज समाज खुशहाल है। साथ ही लोकहित में कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है। जा रहा है? हाँ, मंच के निकट पायलट में है सिपाही संजय कुमार यादव और सिपाही मुन्ना कुमार। अधिकार नहीं तब एक घटना,
एक रचना अपने चुप्पी हो गया।